पार्टी में शराब व सट्टा बंद करने की मांग को लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देकर दिया ज्ञापन। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जनपद पंचायत प्रांगण से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां पर सांकेतिक धरना देकर तहसीलदार, थाना प्रभारी व जनपद पंचायत सीओ से सवाल जवाब कर जिला श्रम अधिकारी, तहसीलदार पार्टी, थाना प्रभारी पार्टी के नाम तहसीलदार संजय चौहान को ज्ञापन सौंपा। संगठन के कार्यकर्ता हर सिंह जमरे ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब सट्टा बंद हो ताकि क्षेत्र में शांति बने रहे। शराब पीने से लोग आत्महत्या कर रहे तो सट्टा खेलने से चोरियां बढ़ रही है। उनका कहना है कि राशन की दुकान हफ्ते में 2 बार खुलती है लेकिन शराब की दुकान हमेशा खुली रहती है। राशन दुकान भी सरकारी है और शराब दुकान भी सरकारी, इसमें सुधार होना चाहिए। वहीं क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध नहीं होने से पलायन हो रहा है और मजदूरों का पंजीयन भी नहीं हो रहा है। क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ ही ग्राम सभा में राजस्व विभाग, वन विभाग खसरा निकाल कर देना चाहिए जिससे भूमि के मालिक का पता चल सके, क्योंकि कई लोगों की जमीन इधर से उधर हो रही है। वहीं ग्राम सभा में दोनों विभाग नहीं पहुंच रहे हैं। वर्तमान में शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ई KYC कराया जा रहा है। अलग अलग योजना के लिए ई KYC हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वहीं वाल सिंह सस्ते ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार बंद होना चाहिए। शराब और सट्टे के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं, साथ ही रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज तहसीलदार, जनपद पंचायत सीओ और थाना प्रभारी से बात करने के लिए आए हैं। तहसीलदार भूमि में हुई त्रुटि को सुधारे, जनपद सीओ ग्राम सभा का पालन कराए, वहीं जनपद पंचायत सीओ ग्राम सभा का पालन कराए, वहीं थाना प्रभारी शराब और सट्टा बंद कराए। इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान नासरी भाई, लया भाई, तुकाराम, बलराम, भाकिरिया, रीनिया, हर सिंह जमरे, मूरा नरगावे मौजूद थे। हमारी मांग ये है कि जागृत आदिवासी दलित संगठन, हमने पूर्व 1 साल से हमने 150 दुकानों का नाम दिया था पार्टी ब्लॉक में, कि लगातार 150 दुकानों का नाम दिया दारू बंद करने का। ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस से बार बार बात होती रही। TI साहब बोले कि हमको सब दुकानों का नाम मालूम है, पता है, हम बंद करेंगे, लेकिन रोज की रोज दारू की दुकान बढ़ती जा रही और पार्टी जो प्रापत है बोकराटा है वहाँ पे सट्टे और पत्ते की दुकान बढ़ती जा रही। तो आए दिन लोगों ने सट्टा खेलते पत्ते खेलते तो चोरी होती और दारू पीते तो कीटनाशक खाके लोगों की हत्या होती, एक्सीडेंट होता। तो हमारी मांग ये है कि दारू बंद है, सट्टा बंद है करके, जबकि राशन दुकान हफ्ते में 2 दिन खुलती है, दारू की दुकान 24 घंटे खुली रहती, तो ऐसा क्यों? क्योंकि दारू भी सरकारी है, राशन भी सरकारी है, तो कुछ ऐसा एक सुधार होना चाहिए। महिलाओं को कितना देना, बच्चे को कितना दिए, बच्चा है तो भी इतनी दारू, महिला है तो भी इतनी दारू, बूढ़े है तो इतनी दारू, तो ऐसा क्यों? आते दिन शराब की दुकान बढ़ती जा रही है और सट्टे की दुकान बढ़ती जा रही है, ये क्यों? दूसरी मांग ये है कि महंगाई के अनुसार मजदूरी बढ़ना चाहिए, पलायन बहुत हो रही, तो जो पलायन हो रही उनको रोका जाए और मजदूरों का पंजीयन होना चाहिए, लेकिन वो कहीं पंजीयन नहीं हो रहा। तीसरी मांग ये है कि ग्राम सभा में जो भी वन विभाग या राजस्व विभाग जो अपना खसरा विवरण ले जाके, नक्शा ले जाके ग्राम सभा में उपस्थित देना था, लेकिन कहीं ग्राम सभा में राजस्व या वन विभाग दोनों विभाग पहुंचे नहीं। तो ये मांग हमारी बार बार हम तहसीलदार को भी, TI को भी बोल रहे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चौथी मांग ये है कि जो राशन का जो KYC है रही और लाडली बहना की KYC हो रही, रोजगार की KYC हो रही और किसान सम्मान निधि की KYC हो रही, तो किसानों को समझ में नहीं आ रही कि कौन सी KYC सही है, कौन सी KYC गलत है। तो आज जो महिला लाडली बहना की योजना चल रही, वो जो अधिकतर महिलाओं का जो KYC रद्द हो रही, तो जो राशन की KYC हो रही, तो एक घर में 4 लोग है तो 4 लोगों को जो 20 किलो अनाज मिलना था उसको 10 किलो मिल रहा, आधे लोगों को आधार अपडेट नहीं हो रहा। तो हमारी मांग ये है कि तहसीलदार द्वारा जो गांव-गांव में शिविर रखा जाए और आधार जो संशोधन करना है, जो भी आधार अपडेट करना है, कैंप लगा के आधार संशोधन करवाया जाए। ये मांग है हमारी कि आधार ये सड़कों पर पैसा वसूलना और सट्टू दारू
वो दाड़किया की है ना मौदरी का पंजन मेरा ये 1 अप्रैल 14 अप्रैल गरम सभा में ये पूरा ले जाना था वो नहीं लगे। ये हमको ये गांव गांव में पूरे आवे गए साल हम 150 दुकान का दिया तो वो ये जाते पुलिस वाले को उनके से लाइसेंस रखना चाहिए लाइसेंस तो देखते हरते नहीं है कि लाइसेंस है तो गुड़गाड़ी वाले को अच्छे पूछते कि तुम्हारी लाइसेंस कहाँ है हेलमेट कहाँ है तो एक दिन में 3 बार लूटे जाते तो दारू वालों को भी लाइसेंस देना चाहिए इन्हें सट्टे वालों की भी ये तो है नहीं। पार्टी में 2 दुकान है लाइसेंस की उसी दुकान से ग्रामीण क्षेत्र में दारू भेजते जाते रहते। सीओ साहब और जहाँ तहसीलदार साहब और थानादार साहब तीनों एक से आज यहाँ बात करने के हमारा जना एक विचार था कि जना थानादार साहब जना सट्टा और पत्ता बंद करे और सीओ साहब जो है ना ग्राम सभा जो है ना सक्षम करवाए और तहसीलदार साहब जो है ना वहाँ जो है ना नुकसा और जो है ना ये अपना बीवन खचरा गांव में जाके बताए कि जो है ना किसकी जमीन कहाँ आ रही। जमीन तो जो है ना बराबर है पर जो है ना लोगों का जो ये इनका रजिस्टर जो है ना गलत हो रहा है तो जो इनका रजिस्टर जो गलत हो रहा है वो गाँव वालों को पूछ के रजिस्टर को सही करे और जो है ना जिसका नाम जो है ना जमीन किसकी किसकी जो है ना अदल बदल हो रहा है सिवाई में जा रहे वो सब जो है ना सुधारने का ग्राम सभा का अधिकार दिया है। 3 महीने के अंदर जो ना एसडीएम साहब के यहाँ जाके जो ना पूरा कंप्लीट करना था और 1 अप्रैल से इनको गांव गांव में जाके जो ना बताना था पर वो ये अभी तक जो ना गांव में किसी गांव में जाके नहीं बताया और नोटिस बांट रहे कि तुम्हारी जमीन किसको बेचा है तुम्हारी जमीन जो नामांतरण करना है क्या ऐसा करके जो ना नोटिस देते जो ना यहाँ बुला रहे तो उसके वजह जो कानून का पालन करना चाहिए और गाँव में जाके ग्राम सभा में जाके बताना चाहिए। ग्राम सभा को अधिकार है कि जो ना किसकी जमीन कहाँ है और कुछ किसकी जमीन गलत हो रहे वो ग्राम सभा उनको जो ना पूरा क्लियर करके देंगे। जैसा वो क्लियर करके देंगे तो जो उसको जो ना रजिस्टर में जो ना मेंटेन करेंगे तो ऐसा तो नहीं कर रहे और जो ना नोटिस थमा रहे लोगों को और यहाँ तहसील में बुला रहे तो इस कारण से हम जो ना यहाँ पे आए थे